चीन की बढ़ती हरकतों पर लगेगी लगाम। सीमा पर भारत नई एयरफील्ड की कर रहा तैयारी। कई गुना बढ़ जाएगी भारतीय सेना की ताकत। चीन की हर साजिश होगी नाकाम। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश चीन पाकिस्तान से रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। चीनी ड्रैगन भले ही भारत के साथ रिश्ते बेहतर होने की बात कहता हो, लेकिन उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन ने हमेशा भारत के साथ धोखा ही किया है और अपनी कुटिल चाल चलकर भारत को नुकसान पहुंचाया है। वहीं अब वो सीमा पर भी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन पूर्वी लद्दाख से सटे इलाकों में भारी बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। उसकी ऐसी हरकतें भारत के लिए खतरा पैदा करती हैं। वहीं चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने ऐसे प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर दी है जिससे उसकी हालत खराब हो गई। भारत ने चीन को करारा जवाब देने के लिए न्योमा में एक नए हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू करने की तैयारी कर दी है। इससे चीन की हरकतों को कंट्रोल तो किया जा सकेगा, साथ ही देश की सुरक्षा में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत चीन बॉर्डर पर क्या कुछ किया जा रहा है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता देते हैं कि चीनी ड्रैगन ने अपना दोगला रूप दिखाते हुए बांग्लादेश में कहा कि उनका देश और भारत किसी भी आर्थिक, भू राजनीतिक और अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। यहाँ चीनी राजदूत सुन वेंदांग ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से भारत के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। बांग्लादेश में राजनयिक संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ली ने कहा कि चीन भारत को कभी भी रणनीतिक प्रतिद्वंदी या रणनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखता। उन्होंने कहा कि चीन बंगाल की खाड़ी को भारी हथियारों से लैस नहीं देखना चाहता। चीनी राजदूत का यह बयान उस दिन आया है जब भारत में चीनी राजदूत सुन वेंदांग ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। इसके साथ ही चीन ने कश्मीर मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। चीन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए कश्मीर का मुद्दा सुलझाना चाहिए। इसके साथ ही चीन ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को स्थिति को और पेचीदा बनाने वाली एकतरफा कार्रवाई से बचना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मानो निंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के एक पत्रकार के कश्मीर से जुड़े सवाल पर यह जवाब दिया था। माओ ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर चीन का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मामला अतीत और इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार ही शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की जरूरत है। दोनों पक्षों को उन एकपक्षीय कार्रवाई से बचने की जरूरत है जिससे स्थिति और जटिल बन सकती है। वहीं चीन की इस बयानबाजी के बाद भारत ने चीन को करारा जवाब दिया है। उसने चीन को इस मामले में दखलंदाजी करने से मना कर दिया। भारत हमेशा से कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को खारिज करता आया है। भारत का कहना है कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला पूरी तरह से उसका आंतरिक मामला है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस साल मार्च में भी कहा था कि चीन सहित दूसरे देशों को कश्मीर मामले पर बयानबाजी करने का कोई अधिकार नहीं, ये भारत का आंतरिक मामला है। दोस्तों, कश्मीर विवाद और सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के भारत सरकार के फैसले के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध और अधिक खराब हो गए थे। भारत सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने नई दिल्ली के साथ अपने राजनयिक संबंधों को डाउनग्रेड कर दिया था और भारत के राजदूत को वापस भेज दिया था। तभी से दोनों देशों के बीच कारोबार भी ठप हो गया था। दोस्तों, चीन भले ही भारत से दोस्ती की बात कहता हो, लेकिन उसने कभी भी भारत का भला नहीं चाहा। उसके नियत में हमेशा से ही खोट रहा है। चीनी ड्रैगन मौका देखते ही भारत की पीठ में छुरा घोंप देता है। एक तरफ वो दोस्ती की बात कहता है तो दूसरी तरफ वो भारतीय सीमा पर कब्जा करने की फिराक में रहता है। अभी हाल ही में सामने आया कि चीन पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील के आसपास अपने कब्जे वाले क्षेत्र में दूसरा पुल बना रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में इसका खुलासा हुआ है। इससे साफ होता है कि चीनी सेना के लिए इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को जल्दी से पहुंचाने में मददगार हो सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय और चीनी सेनाओं में 2 साल से अधिक समय से ही पूर्वी लद्दाख में कई तनाव वाले बिंदुओं पर गतिरोध बना हुआ है और इसके बावजूद इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। अगस्त 2020 में चीनी सैनिकों ने इस क्षेत्र में भारतीय सैनिकों को धमकाने की कोशिश की थी, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय पक्ष द्वारा पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर कई रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद से चीन अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत बड़ा कदम उठाने का फैसला ले रहा है।
वो जल्द ही न्योमा में एक नए हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारत न्योमा एयरफील्ड को अपग्रेड करने जा रहा है। जब एयरफील्ड अपग्रेड कर दी जाएगी तो भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। किसी भी संकट से निपटने के लिए उसका रेस्पॉन्स टाइम काफी कम हो जाएगा। ये चीनी सीमा से केवल 50 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना को दुश्मनों के दुस्साहस से तेजी से निपटने में मदद मिलेगी और लड़ाकू विमानों की संचालन क्षमता और मजबूत होगी। जब इस एयरफील्ड को अपग्रेड कर दिया जाएगा तो सेना के जवानों से लेकर हथियारों की आवाजाही में एक अलग ही तेजी देखने को मिलेगी। वायुसेना के अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट भी लगातार गश्त लगाते दिख जाएंगे। ऐसे में चीन पर एक पैनी नजर बनाए रखना आसान रहेगा और उसकी हर साजिश का समय से पहले ही पता चल जाएगा। वैसे तो अभी पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेना पीछे जरूर हटी है, लेकिन भारत यहाँ पर चीन पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकता है और इसका उदाहरण इस निर्माण से लिया जा सकता है। ऐसे में इन गतिविधियों के बीच एयरफील्ड भारत की स्थिति को जमीन पर मजबूत करने का काम करेगी। वहीं से एक एयरफील्ड की वजह से लेह एयर स्पेस और एलएसी के बीच का अंतर भी कम हो जाएगा। इस मामले को लेकर वरिष्ठ रक्षा अधिकारी का कहना है कि एलएजी यानी उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को जल्द ही लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए ज्यादातर मंजूरियां पहले ही मिल चुकी हैं। योजना के मुताबिक नए एयरफील्ड और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा भारत पूर्वी लद्दाख के दौलत बेगोल्डी, फुकचे और न्योमा सहित सभी एयरफील्ड के विकास के विकल्पों पर विचार कर रहा है, जो चीन के साथ एलएसी से कुछ ही मिनटों की दूरी पर हैं। एलएजी में MI-17 हेलीकॉप्टर से लेकर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और गरुड़ स्पेशल फोर्स ऑपरेशन का संचालन किया जा चुका है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अजय राठी ने न्योमा जैसे एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड के महत्व को बताया था। राठी ने कहा था कि न्योमा एलएजी का एलएसी के करीब होने के कारण रणनीतिक महत्व है। ये लेह एयर स्पेस और एलएसी के बीच के अहम अंतर को पाटता है और पूर्वी लद्दाख में सैनिकों और सामग्रियों की त्वरित आवाजाही को सक्षम बनाता है। दोस्तों, चीन की बढ़ती हरकतों को रोकने के लिए भारत कई बड़े कदम उठा रहा है। वो सैन्य तैयारियों को बढ़ाने के समग्र प्रयासों के तहत बॉर्डर से सटे इलाकों में पुलों, सड़कों और सुरंगों का निर्माण कर रहा है। वहीं न्योमा एयरबेस के मुख्य संचालन अधिकारी ने कहा कि ALG इसके बाद ऊंचाइयों तक त्वरित पहुँच और संचालन में मदद करेगा, क्योंकि न्योमा में हवाई संचालन बुनियादी ढांचा बलों की संचालन क्षमता को बढ़ाता है। भारतीय वायुसेना ने किसी भी हवाई घुसपैठ से निपटने के लिए एकला मैन पोर्टेबल वायुरक्षा मिसाइलों को तैनात किया है। वायुसेना नियमित रूप से पूर्वी लद्दाख में अभियान चलाने के लिए राफेल और MiG-29 सहित लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रही है। इस क्षेत्र में कई स्थानों पर भारतीय और चीनी सैनिकों को हटा दिया गया है। वैसे एक तरफ एयरफील्ड निर्माण पर जोर है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के उत्तराखंड के ओली में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल होने वाली है। ये ड्रिल LAC से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। ऐसे में इसके जरिए चीन को भी बड़ा संदेश दिया जाएगा। इसके अलावा भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र इंडो पैसिफिक में क्वाड देशों के साथ मालाबार नेवल एक्सरसाइज में भी शामिल होने वाला है। ये एक्सरसाइज जापान के याकुसाका में होने वाली है। दोस्तों, चीन की घटिया हरकतों का भारत हमेशा करारा जवाब देता है। हर बार मात खाने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ऐसे में भारत को हर वक्त सजग रहने की जरूरत है और इसलिए भारत सीमा पर अपनी सैन्य ताकत के साथ साथ वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहा है।